Hello kids, welcome to class 6 science session. We are doing chapter 5, that is separation of substances. So isme we are moving with different process through which we can do the separation. So ek bar list down karte hain kya kya hum logo ne seekh liya hai. Hand picking ab hame learn ho gaya hoga, hai na? Threshing ka bhi, do you remember? Winnowing. So in the previous session I told you ये दोनों किससे रिलेटेड है, सेपरेशन प्रोसेस विद द हार्वेस्टेड क्रॉप, है ना? विद द हार्वेस्टेड क्रॉप मींस जब क्रॉप कट हो गई, देन सेविंग, फिर वी हैव डन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सो आपको एक रिकैप, कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, किन किन के होते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड. Then, जल्दी से अपने आप बोलना स्टार्ट कर दें आप. लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसमें हमने इमिसिबल लिक्विड की बात करी थी. When oil is mixed with the water, and then we have talked about when there is a mixture of solid plus liquid. इसका example हमने क्या देखा था, जल्दी से सोची. Yes, tea का. तो I am showing this list, जैसे आपको भी खुद इस टाइप से व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज मेक दिस लिस्ट, उसके पहले आप एक देखकर नाम लिख लें, प्रोसेस सोचे. सेकंड टाइम व्हाट यू डू विदाउट लुकिंग एट इट, यू कैन नेम ऑल दीज प्रोसेस एंड देन जस्ट ट्राई टूगेदर इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था. तो इस वे में इफ यू विल डू द रिविजन, देन यू आर मस्ट बी वेरी श्योर कि आपको अब एग्जाम्स के लिए पढ़ने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि ये सब आपके बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन में सेटल डाउन हो गया होगा. सो नाउ टुडे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन. इससे पहले वाले सेशन में वी हैव लर्न्ड अबाउट इवोपरेशन, एंड इवोपरेशन का व्हाट हैव वी सीन, सबसे कॉमन थिंग बिकॉज ऑफ इवोपरेशन क्या हमने फॉर्मेशन देखा, सॉल्ट फॉर्मेशन का. हाँ, इसमें हमने देखा था सॉल्ट फॉर्मेशन. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंडेंसेशन. व्हाट इज कंडेंसेशन देखते हैं. सो सबसे पहले आप ये देखिए कि व्हाई आर वी गोइंग थ्रू विद नंबर ऑफ प्रोसेसेस. What is the reason? Why are we learning about different processes? Because one method is not sufficient to separate substances from their mixture. अगर हम कहीं एक ही method से हम कर लें, ऐसा नहीं है. Suppose आप take the example of rice. बहुत simple है, उसमें आप देख रहे हैं मिट्टी भी है as well as थोड़े बड़े stones भी हैं. And you want to eat a वेरी क्लीन राइस, है ना? आप कुछ गंदगी के साथ यू डोंट वॉन्ट टू ईट. तो द फर्स्ट थिंग डेट यू विल डू इज यू विल डू हैंड पिकिंग. फर्स्ट यू विल टेक आउट दोज स्मॉल स्टोन्स, यू आर गोइंग टू पुट देम अवे. बट नाउ मिट्टी हटाने के लिए यू विल गो विद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, है या नहीं है? तो क्या एक प्रोसेस से हम सारी गंदगी को वी कैन रिमूव? नो, दिस इज नॉट एट ऑल प्रोसेस पॉसिबल. वी नीड टू टेक टू प्रोसेसेस, या अगर हम कहें तो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन अगेन कहने को एक प्रोसेस है, लेकिन हम नाम एक साथ लेते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो डिफरेंट. हाँ, एक में हम सेटल डाउन होने देते हैं, दूसरे में पानी निकालते हैं. सो थ्री प्रोसेस, तो बाय यूजिंग दोज थ्री प्रोसेस वी कैन मेक अवर राइस ऑन द ईटेबल स्टेज. तो वन, इफ यू से वन मेथड इज सफिशियंट टू सेपरेट आउट थिंग्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. इन सच सिचुएशन क्या है, वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स. तो वन एग्जाम्पल आई हैव कोटेड डाउन, यू कैन थिंक अबाउट मैनी मोर एग्जाम्पल्स जिसमें यू विल नीड one process, two process, even three processes to get the things separated out. Now,
टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ वी सेपरेट ऑफ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. सैंड एंड सॉल्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके, दोनों सॉलिड हैं, दोनों ही सॉलिड का हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? हैंड पेकिंग था, ठीक है, व्हेन बोथ आर सॉलिड. और दूसरा क्या देखा था? सोचिएगा आप, हमने कई बार उन प्रोसेस को कर लिया है. लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाई कांट वी गो विद हैंड पिकिंग? जस्ट थिंक अबाउट, कैन वी ऑप्ट फॉर हैंड पिकिंग इफ वी वॉन्ट टू गो विद द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? नहीं. इज दिस पॉसिबल? कैन वी ऑप्ट फॉर? नो. कैन यू टेल मी द रीजन? क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज बोथ आर क्या है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स. इफ वी वॉन्ट टू डू द हैंड पिकिंग पार्ट, कैन वी डू इट? नो, वी कैन नॉट गो विद दिस ऑप्शन. के ना तो हम सेडिमेंटेशन पे जा सकते हैं, है, और हम हैंड पिकिंग पर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है. सो अगर हम सेडिमेंटेशन पे भी जाएंगे तब भी देखेंगे कैसे इसका कुछ कर सकते हैं. लेकिन अगर दोनों इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, हाउ डू वी डू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ऐड सम वाटर इन द मिक्सचर, और उसको जैसे हम सेडिमेंटेशन करते हैं, वी विल कीप असाइड फॉर सम टाइम. व्हाई वी वॉन्ट टू कीप इट असाइड? तो जब भी अगर आप ये प्रोसेस देख रहे हैं, तो ऑल दीज हिंट्स आई एम गिविंग यू क्योंकि आपके क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं. तो कैसे थॉट प्रोसेस करेंगे? व्हेन एवर वी आर सेइंग के एड सम वाटर एंड कीप इट असाइड, दिस मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. ये क्या प्रोसेस होता है? सेडिमेंटेशन. व्हेन वी आर एडिंग वाटर एंड लीविंग द मिक्सचर फॉर सम टाइम, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. एंड तो दिस मीन्स वी आर गोइंग विद द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. नेक्स्ट, अब क्या होगा? इन सम टाइम क्या होगा? सैंड विल सेटल डाउन, क्योंकि सैंड इज हैवियर देन द सॉल्ट, तो सैंड विल सेटल डाउन. नेक्स्ट, अब हाउ कैन वी सेपरेट द सैंड? के इफ वी डू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन, इसमें वी कैन यूज ईदर ऑफ द प्रोसेस, कोई भी एक यूज कर सकते हैं. या तो हम धीरे से पानी को निकालें या फिल्टर पेपर लगा के, एंड वी देन वी कैन सेपरेट सैंड एज वेल एज द वॉटर. लेकिन अब सॉल्ट का क्या है? थिंक अबाउट डेट. तो थिंक अबाउट वॉट डज डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, बताइए. तो जो हमारा आ रहा है, जो डिकेंटेड लिक्विड है, डिकेंटेड लिक्विड में क्या होगा? कैन यू थिंक अबाउट? इसमें वॉटर प्लस सॉल्ट. व्हाई? बिकॉज सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वॉटर एंड मर्ड इज इनसोल्यूबल इन वॉटर. तो दिस इज वाई वॉटर प्लस सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट इज सोल्यूबल इन वॉटर. सो वेन वी एडेड वॉटर टू दिस मिक्सचर, जब हमने वॉटर मिक्स करा, तो द सॉल्ट गेट सोल्यूबल इन द वॉटर एंड सैंड गेट सेपरेटेड आउट. तो ये फिल्टर करने से क्या हुआ? हमें सैंड मिला प्लस वाटर, वाटर में हमें वाटर प्लस जो मिला वो वाटर में हमें सॉल्ट भी मिला. नाउ अब हाउ टू, बिकॉज वी वॉन्ट टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड, तो सॉल्ट तो अभी हमारे हाथ में आया ही नहीं, सैंड आ गई. हाउ डू वी गेट द सॉल्ट?
तो बॉइल द डिकेंटेड लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज द लिड. तो हम ढक्कन ढककर हम क्या करेंगे, उस जो वाटर है उसको वी आर गोइंग टू बॉइल. आफ्टर सम टाइम स्टीम क्या होगा, विल स्टार्ट कमिंग आउट. और ये कहां से आएगी, स्पाउट. तो कैटल का जो आगे ऐसे नोजल निकला हुआ होता है, दिस इज नोन एज स्पाउट. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. तो दिस इज द कैटल एंड दिस इज द स्पाउट. और इस स्पाउट में से क्या देख रहे हैं, स्टीम. ये स्टीम, ये प्लेट है और यहां पे दिस इज आइस, दिस इज प्लेट. तो इस प्लेट पे हमने आइस रखी और स्टीम को इस पर आने दिया. सो व्हाट यू विल सी ऑन दिस प्लेट, यू आर गोइंग टू लुक फॉर सम वॉटर ड्रॉपलेट्स. अब ये जो वॉटर ड्रॉपलेट्स, हाउ डज दीज वॉटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म, दीज आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. तो द फॉर्मेशन ऑफ वॉटर ड्रॉपलेट्स इज बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन. After all water has evaporated, क्या होगा, salt can be collected from the base of the kettle. So in this way we can get the salt. देखिए हमने salt का पहले भी ऐसे ही पढ़ा था कि when water gets evaporated, वो evaporation में पढ़ा था. तो condensation is one more process in which vapors are again changed to water. Means gas is again changed to liquid form. तो दिस ये एक प्रोसेस कंडेंसेशन का हुआ है. लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा जब पूरा बॉयल हो गया, वी कैन सी वी कैन गेट सम सॉल्ट. नाउ थिंक एंड आंसर. अ पर्सन ट्राइड टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड विद द सेम मेथड बट डिड नॉट ऑब्टेन द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट. उसको जितना उसने सॉल्ट एड करा था उसको सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट नहीं मिला. वॉट कुड बी द रीजन? तो इसका आप सोचिए. हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, फिर जब आगे हम नेक्स्ट सेशन करेंगे इसका और अच्छा आंसर आपको समझ में आएगा. लेकिन मे बी क्या है कि जो हमने मिक्स करा, जो हमारा वाटर जो हमने मिक्स करा उसमें वो पूरा सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं हुआ था. डेट मे बी द रीजन कि मे बी सॉल्ट डजेंट dissolve completely, क्योंकि this is the के जो हमारा ये जो dissolve होने का process है उसमें भी हमें एक particular amount का water चाहिए होता है. if the water is less then we cannot put more salt or sugar. या अगर ratio में disturbance है, sugar or salt is high and we are putting less water. तो ये solubility का rule होता है. That I will take in the next session. लेकिन इसका आप ध्यान रखें कि जब भी हमें ऐसे कुछ solution बनाना होता है तो तब ratio must be appropriate. So what did we learn today? Today we learned one more process, that is condensation. Condensation में हमने ही देखा कि how does water vapor changes to किसमें water droplets. आप देखें पानी भाप बना, भाप से फिर पानी बन गया, this is called condensation. भाप से पानी बनना, that is condensation. So this we have learned. और एक one more process where we have learned कि when there are two solid mixture but they are that small, then we can use more than one process to separate the mixture. In the next session with something more from the same chapter, I will come again. Till then, take care. Bye.